दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह भारत के हर कोने में देखने को मिल रहा है। योग दिवस प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में योग करते हुए नजर आए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्यक्रम के दौरान योग किया और लोगों को भी कई आसन सिखाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि निरोगी जीवन जीने के लिए योग जरूरी है। बाबा रामदेव ने कहा कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वास्थ्य और निरोग जीवन के लिए योग जरूरी है। योग से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। योग से हमारे पूरे व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। योग से हमारे भीतर व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व की क्षमता पैदा होती है। इससे हम आत्म अनुशासन के साथ पूरी दुनिया पर शासन कर सके वह सामर्थ्य मिलता है। इसे योग के जो आयाम हैं उनको हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। योग फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग है। युगों युगों से था, युगों युगों तक रहेगा और योग से ही सारे रोगों का और समाज की सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो समाज में हिंसा, घृणा, नफरत, वैर वैमनस्य, जो बिखराव है, योग से सारा समाज जुड़ेगा। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहूँ तो पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम जो नहीं कर पाया, लीवर, किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को, सोरायसिस जैसे रोगों को, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उन डिजीज को हमने रिवर्स किया है योग से। तो योग से अब सब कुछ होगा, पूरी दुनिया स्वस्थ भी बनेगी और योग कर्म योग करेंगे, अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। जो योग करता है वो प्रमादी नहीं हो सकता, पुरुषार्थी होगा।